तो बच्चों आज हम सरल आवर्त गति के अंतर्गत, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, उसके अंतर्गत स्प्रिंग से लटके पिंड की सरल आवर्त गति का हम अध्ययन करेंगे। और आप लोगों को स्प्रिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि स्प्रिंग होता क्या है। जब आप स्प्रिंग को खींचते हो या दबाते हो तो उसमें एक प्रत्यानयन बल लगता है। कौन सा बल लगता है उसमें? एक प्रत्यानयन बल लगता है जो उसे प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। क्योंकि जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है या दबाते हैं तो उसमें परिवर्तन आता है, तो इस समय स्प्रिंग पर एक प्रत्यानयन बल लगता है जो उसे प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। यदि मैं मान लूँ कि स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन एल हो जाए तो हम उसका आगे देखेंगे सूत्र किस तरह से निकलता है। चलिए देखते हैं। जब किसी स्प्रिंग को दबाया या खींचा जाता है, जब किसी स्प्रिंग को हम दबाते या खींचते हैं तो उस पर एक प्रत्यानयन बल लगता है तो उस पर एक प्रत्यानयन बल लगता है जो उसे प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ठीक है ना? जो उसे प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। खींचने या दबाने पर लंबाई में परिवर्तन भी होता है। तो यदि स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन, ठीक है ना, यदि स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन अपने पास L हो तो स्प्रिंग पर लगने वाला प्रत्यानयन बल हो जाएगा, तो उस पर लगने वाला अपने पास प्रत्यानयन बल हो जाएगा, प्रत्यानयन बल हो जाएगा अपने पास, बल को हम फोर्स कहते हैं, तो F हो जाएगा, F माइनस के इंटू एल, जहां पर ये जो K है ना वो एक नियतांक है, एक कांस्टेंट मान है, जहां K एक नियतांक है जिसे स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। इसको हम पहला समीकरण मान लिए रहते हैं, जिसे स्प्रिंग नियतांक कहते हैं, इसे बल नियतांक भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? और बल नियतांक भी हम कहते हैं। ठीक है ना? तो ये स्प्रिंग नियतांक है जिसको हम बल नियतांक भी कहते हैं। और ऋण चिन्ह क्या दर्शाता है? ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रत्यानयन बल ऊपर की दिशा में काम करता है, और चूंकि हम खींच रहे हैं नीचे की तरफ तो लंबाई में परिवर्तन नीचे की तरफ होता है, तो ये ऋण चिन्ह उसी चीज को दर्शाता है। तो के यहाँ पर एक नियतांक है जिसे हमने स्प्रिंग नियतांक कहा है या बल नियतांक कहा है। अब समीकरण एक में माना कि, समीकरण एक में माना कि L का मान 1 हो जाए, 1 हो तो, या लंबाई में परिवर्तन इकाई हो जाए तो, मैं समीकरण एक से कह सकता हूं कि F बराबर हो जाएगा K। मैंने यहां पर उसके चिन्ह को छोड़ दिया है, केवल परिमाण को लिया है ना? तो F बराबर जो प्रत्यानयन बल है
वो स्प्रिंग नीतांक के बराबर हो जाता है। तो स्प्रिंग के स्प्रिंग नीतांक को यहाँ पर हम समझा सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए कैसे उसको परिभाषित करेंगे। किसी स्प्रिंग की एकांक लंबाई, देख रहे हैं आप लंबाई इकाई हो गया है, तो यदि किसी स्प्रिंग की एकांक लंबाई में वृद्धि करने के लिए जो आवश्यक बल की जरूरत पड़ती है उसे ही हम कहते हैं बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक। किसी स्प्रिंग की एकांक लंबाई में वृद्धि करने के लिए आवश्यक जो बल होता है, आवश्यक जो बल होता है, आवश्यक बल को स्प्रिंग नियतांक कहते हैं, स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। तो ये हमने स्प्रिंग नियतांक को परिभाषित भी कर दिया है, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं स्प्रिंग से लटके पिंड की सरल आवर्त गति के बारे में। तो हमने सबसे पहले जाना कि स्प्रिंग में जो जिसमें एक खास गुण होता है कि जब हम उसको दबाते या खींचते हैं तो उस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो उसे प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। यदि मैंने कहा यदि स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन एल हो जाए तो उस पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है वो हो जाएगा एफ बराबर माइनस के गुणा एल, जहां पर के एक नियतांक है जिसे हम स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक कहते हैं, ठीक है ना। अब इस समीकरण एक में यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि लंबाई इकाई हो जाए तो उस समय यदि मैं चिन्ह को छोड़ दूं, जो चिन्ह है उसका उसको छोड़ दूं, केवल परिमाण को लूं, तो जो बल हो जाएगा प्रत्यानयन बल वो स्प्रिंग नीतांक के बराबर होगा। तो इसी आधार पर मैंने स्प्रिंग नीतांक को परिभाषित कर दिया है कि किसी स्प्रिंग की एकांक लंबाई में वृद्धि करने के लिए आवश्यक बल को हम स्प्रिंग नीतांक कहते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है हमको सिद्ध करना है कि स्प्रिंग से लटक यदि पिंड को लटका दे स्प्रिंग में तो वो सरल आवर्त गति करने में सक्षम होता है कि नहीं। चलिए देखते हैं आगे। स्प्रिंग में हम पिंड लटकाएंगे तो सबसे पहले ऊर्ध्वाधर तल में हम देख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर तल एक क्षैतिज तल होता है, एक ऊर्ध्वाधर तल होता है। ऊर्ध्वाधर तल में स्प्रिंग से लटके पिंड का दोलन, लटके पिंड का दोलन किस तरह से दोलन होगा इसके बारे में हम देख लेते हैं, और वो भी किस में, ऊर्ध्वाधर तल में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग के बारे में हमने पढ़ा, अब स्प्रिंग में हम पिंड लटकाएंगे तो हम स्प्रिंग पहले बना लेते हैं, वो दृढ़ आधार से जुड़ा रहेगा। मान लिया जाए ये दृढ़ आधार है और दृढ़ आधार से ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये स्प्रिंग है, ये उसका मान लीजिए आखिरी पॉइंट है, ये प्रारंभिक स्थिति है स्प्रिंग की, और स्प्रिंग का प्रारंभिक लंबाई को हम मान लेते हैं जिस समय उस पर किसी पर भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है उस समय स्प्रिंग की जो प्रारंभिक लंबाई है उसको हम कैपिटल एल मान लेते हैं। ये कौन सी स्थिति है, इसको चित्र ए मान लेते हैं।
स्प्रिंग में अभी पिंड नहीं लटका है, मतलब बिना पिंड का स्प्रिंग, ये हम मान लेते हैं, बिना पिंड का स्प्रिंग, ठीक है ना, बिना पिंड का स्प्रिंग। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि इसमें एक एम द्रव्यमान का पिंड लटका देते हैं, किसमें, स्प्रिंग में, तो क्या परिवर्तन आएगा, चलिए देखते हैं। उसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, मान लिया जाए मैं यहां पर एम द्रव्यमान के पिंड को ले लेता हूं, ये एम द्रव्यमान के पिंड को मैंने यहां पर ले लिया है, तो उसका भार mg नीचे की ओर काम करेगा। तो वो जब चित्र ए में हमने देखा था कि स्प्रिंग में कोई भी पिंड नहीं लटका है, तो चित्र ए जो था बिना पिंड का स्प्रिंग, बिना पिंड का स्प्रिंग, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्प्रिंग की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है, स्प्रिंग को हमने दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर लटकाया हुआ है, और जब स्प्रिंग के नीचे जो है हम M द्रव्यमान का एक पिंड लटका देते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक स्थिति से प्रत्यानयन बल के कारण उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। लंबाई में वृद्धि को हम L से दिखा देते हैं, तो अपने पास इस तरह का चित्र आ जाता है, ठीक है ना। ये चित्र B कहेंगे इसको हम, चित्र B, और चित्र B में क्या हो रहा है, साम्य स्थिति में पिंड, साम्य स्थिति से पिंड कहाँ पर आ गया है उसको हम देख रहे हैं, साम्य स्थिति में पिंड, ठीक है ना। तो चित्र को अच्छे से समझना जरूरी होता है फिजिक्स में। इसके उपरांत हम तीसरी स्थिति भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया कि जो स्प्रिंग की जो प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L थी, जब उसमें एम द्रव्यमान का पिंड लटकाया तो उसकी लंबाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, तो अब स्थिति यहाँ पर हो जाती है, लंबाई में वृद्धि हो गई, स्मॉल L हमने वृद्धि माना हुआ है, तो ये साम्य स्थिति में पिंड पहुँच जाता है। यहाँ पर पिंड पर जो भार है पिंड का, वो नीचे की दिशा में काम कर रहा है। आप तीसरी स्थिति ये मान सकते हैं कि पिंड को हम खींच करके छोड़ दें, पिंड को हम खींच करके छोड़ दें, तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, तो वो यहां पर चली जाती है, एक मिनट, हमारा जो पिंड है वो यहाँ पर चला गया, एम द्रव्यमान का पिंड, जो भार है वो नीचे की तरफ ही काम कर रहा है, तो अब यहाँ से उसमें परिवर्तन हो गया। हम मान लेते हैं कि उसका साम्य स्थिति से विस्थापन y हो जाता है, इस समय साम्य स्थिति से उसका विस्थापन क्या हो जाता है, y हो जाता है, तो ये चित्र C हो जाएगा, और चित्र सी हम कहेंगे कि दोलन करता हुआ पिंड, ये जो चित्र सी है इसको हम कहेंगे दोलन करता हुआ पिंड, ठीक है ना। अब इस चित्र का हमको वर्णन भी करना है, ये तो डायग्राम हमने चित्र बना लिया है अच्छे से, कि एक स्प्रिंग हमने लिया हुआ है, उसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है, तो माना किसी स्प्रिंग को दृढ़ धार से
ऊर्ध्वाधर तल में लटकाया गया है, है ना, ऊर्ध्वाधर तल में लटकाया गया है। और हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि स्प्रिंग की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है, जिसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है। चित्र A से ये बात साबित हो रही है कि प्रारंभिक लंबाई स्प्रिंग की कैपिटल L है, हमने उसको दृढ़ आधार से लटकाया हुआ है, वो भी ऊर्ध्वाधर तल में। अब हम स्प्रिंग में M द्रव्यमान का एक पिंड नीचे की ओर लटका देते हैं। स्प्रिंग में M द्रव्यमान का पिंड लटकाने पर उसकी लंबाई बढ़ जा रही है। आप देख रहे हैं कि लंबाई में L की वृद्धि हो गई है, लटकाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि L हो जाती है। उसकी लंबाई में वृद्धि क्या हो जाती है अपने पास, L हो जाती है। तो यहाँ पर जो पिंड M द्रव्यमान का हमने पिंड लटकाया हुआ है, उसका पिंड का भार सदैव नीचे की ओर काम करेगा, और इस वक्त स्प्रिंग पर प्रत्यानयन बल काम करता है। आपको ध्यान देना है यहाँ पर स्प्रिंग पर कौन सा बल काम करता है, प्रत्यानयन बल काम करता है। इस समय स्प्रिंग पर प्रत्यानयन बल F ऊपर की ओर कार्य करता है, ऊपर की ओर कार्य करता है। ये आप देख रहे हैं कि प्रत्यानयन बल F ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। तो हुक के नियम से आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा हुक का नियम, तो हुक के नियम से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यानयन बल होगा वो होगा माइनस के इंटू एल, क्योंकि लंबाई में वृद्धि हुई है L, K जो है आपका स्प्रिंग नियतांक है, और जो प्रत्यानयन बल है वो ऊपर की तरफ काम कर रही है। अच्छा, यहाँ पर हमको ये जानना जरूरी है कि ये जो पिंड का भार है mg, वो सदैव नीचे की ओर काम करता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। पिंड का भार mg सदैव नीचे की ओर कार्य करता है, सदैव नीचे की ओर कार्य करता है। तो पिंड पर लगने वाला नेट बल क्या हो जाएगा, उसकी अब हम गणना कर लेते हैं, ठीक है ना। पिंड पर लगने वाला नेट बल, पिंड पर लगने वाला नेट बल, पिंड पर लगने वाला नेट बल, पिंड जो M द्रव्यमान का पिंड हमने लगाया हुआ है उस पर अब नेट बल क्या हो जाएगा। तो नेट बल हो जाएगा एक तो प्रत्यानयन बल जिसका मान कैपिटल F है, प्लस पिंड का भार mg, ठीक है ना। आपने अभी अभी देखा कि हुक के नियम से प्रत्यानयन बल का मान था माइनस kl प्लस mg, ठीक है। और साम्य स्थिति में, चूंकि इस स्थिति में वस्तु या पिंड साम्य स्थिति में आ जाती है, तो हम कह सकते हैं साम्य स्थिति में कि ये जो आया है नेट बल वो शून्य के बराबर होगा। तो अपने पास हो जाएगा माइनस kl प्लस एम जी इक्वल टू जीरो। आगे मैं इसको हल करूं तो के एल बराबर हो जाएगा
mg, और इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पहला समीकरण, ठीक है। kl बराबर mg को हमने मान लिया, पहला समीकरण हमने मान लिया। अब हम देखेंगे तीसरी स्थिति के बारे में, जिसमें हमने पिंड को थोड़ा सा खींच दिया है और खींचने के बाद स्प्रिंग को खींचने के बाद हमने छोड़ दिया है, तो हम देखते हैं कि उसमें पिंड में दोलन होने लगता है और ये दोलन प्रत्यानयन बल के कारण होता है। तो चलिए उसकी भी हम गणना कर लेते हैं, ठीक है ना। तीसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, अब स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचकर छोड़ देने पर वह प्रत्यानयन बल के कारण ऊपर नीचे दोलन करने लगता है, ऊपर नीचे दोलन करने लगता है, ठीक है ना। हमने तीसरी स्थिति की बात कर रहे हैं हम, तो अपने पास हम स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच दे रहे हैं, खींच करके उसको अचानक से छोड़ दे रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि स्प्रिंग अब प्रत्यानयन बल के कारण दोलन करने लगता है। यदि साम्य स्थिति से इस वक्त विस्थापन y हो जाए, जो कि आपको चित्र में दिख रहा है, पहले साम्य स्थिति में पिंड यहाँ पे था, लेकिन जब खींच के छोड़ते हैं तो उसमें विस्थापन y होने के बाद ये थोड़ा नीचे चला जाता है। यदि इस स्थिति में पिंड का साम्य स्थिति से विस्थापन y हो, तो साम्य स्थिति से विस्थापन y हो तो पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, ये प्रत्यानयन बल कुछ अलग होगा, इसकी दिशा हम ऊपर ही मानेंगे, लेकिन अब F नहीं होगा बल्कि F डैश होगा। तो पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल हो जाएगा F डैश बराबर हुक के नियम से माइनस के। अब आप देखेंगे L मतलब लंबाई में वृद्धि, कुल कितनी वृद्धि हो गई है पहले से अब तक, पहले हुई थी L, अभी हुई है Y, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास हो जाएगा प्रत्यानयन बल F डैश बराबर माइनस के L प्लस Y। पिंड का भार mg तो सदैव नीचे की ओर ही कार्य करता है, तो इस स्थिति में पिंड पर लगने वाला नेट बल, तो इस स्थिति में हम गणना कर लेते हैं पिंड पर लगने वाला नेट बल का, तो नेट बल हो जाएगा, उसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, नेट बल हो जाएगा अपने पास F डबल डैश बराबर F डैश जो प्रत्यानयन बल है और जो पिंड का भार है mg। अब इन मानों को रख लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या आता है, ठीक है ना। इसके आगे गणना हम थोड़ी देर पश्चात करेंगे।
तो बच्चों, हमने अभी ऊर्ध्वाधर तल में स्प्रिंग से लटके पिंड का दोलन देख रहे थे और उसके अंतर्गत जो हमारी तीसरी स्थिति थी, जो चित्र सी में मैंने दिखाया था, तो जो पिंड पर लगने वाला जो नेट बल है वो आता था एफ डबल डैश बराबर एफ डैश प्लस एम जी। अब यहाँ इसके आगे हम इसको हल करें तो एफ डबल डैश का मान क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। एफ डैश का मान हमने निकाल लिया है माइनस के एल प्लस वाई, माइनस के एल प्लस वाई प्लस एम जी प्लस एम जी। तो यहाँ से हम देख लेंगे माइनस के एल, माइनस गुणा प्लस से होगा माइनस के वाई प्लस एम जी, ये हो जाता है आपका एफ डबल डैश। परंतु समीकरण एक से हम क्या देखे थे कि mg बराबर होता है kl, mg बराबर क्या होता है kl, तो यहाँ पर mg की जगह हम kl लिख सकते हैं। तो इसलिए जो नेट बल हो जाएगा f डबल डैश बराबर माइनस kl माइनस ky प्लस mg की जगह हम लिख सकते हैं kl, ठीक है। माइनस kl और प्लस kl कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो नेट बल आएगा पिंड पर कार्यरत वो आ जाएगा माइनस के वाई, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण, ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। और ये ऊपर की ओर काम करता है, मैंने कभी भी बताया कि प्रत्यानयन बल हमेशा ऊपर की ओर काम करता है। अब देख लेते हैं कि पिंड पर जो त्वरण काम करेगा वो कैसे काम करेगा, चलिए देखते हैं। पिंड पर जो त्वरण काम करेगा वो कैसे काम करेगा वो हम देख लेते हैं। पिंड पर जो त्वरण काम करेगा, यदि पिंड पर उत्पन्न त्वरण अल्फा हो तो, पिंड पर उत्पन्न त्वरण अल्फा हो तो न्यूटन की द्वितीय नियम, गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, ठीक है ना, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। जो जो नेट बल आया है एफ डबल डैश वो बराबर हो जाएगा, पिंड का द्रव्यमान है एम और उसमें उत्पन्न त्वरण है अल्फा, लेकिन एफ डबल डैश आप देख रहे हैं कि ये माइनस के वाई आया है। तो हम इसको अभी फिलहाल जो तीसरा समीकरण हम मान के रखे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इसको हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है, तीसरा समीकरण मान लेते हैं इसको। दूसरा समीकरण पहले ही निकल आया है, अब समीकरण दूसरा और तीसरा से ले लेते हैं। समीकरण दूसरा और समीकरण तीसरा से ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस के वाई बराबर हो जाएगा एम अल्फा, या इसको पलट के भी लिखा जा सकता है एम अल्फा बराबर माइनस के वाई। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए चौथा समीकरण मान लेता हूँ, ठीक है। आगे यहाँ पर मैं कह सकता हूँ समीकरण चार को आप यदि देखें तो मैं कह सकता हूं कि जो पिंड में उत्पन्न त्वरण है अल्फा वो जो विस्थापन हुआ है वाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो समीकरण चार से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण चार से हम कह सकते हैं कि पिंड में उत्पन्न जो त्वरण है वो अनुक्रमानुपाती होता है विस्थापन के,
ये हम कह सकते हैं। पिंड में जो उत्पन्न त्वरण है वो जो विस्थापन हुआ वाय उसके अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात पिंड की जो गति होगी वो सरल आवर्त गति होगी, ये हम कह सकते हैं। अंतिम रूप से हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि पिंड का त्वरण किसके अनुक्रमानुपाती आ रहा है, वाय के आ रहा है, लेकिन दिशा विपरीत होगा, त्वरण जिस दिशा में काम करेगा विस्थापन उसके दूसरे दिशा में काम करेगा, तो चूंकि ये विस्थापन त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती आ गया और ऐसा केवल सरल आवर्त गति में होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि यदि ऊर्ध्वाधर तल में हम स्प्रिंग से पिंड को लटका दें तो उसका जो दोलन होगा वो बिल्कुल सरल आवर्त गति होगा। तो ये चौथे समीकरण से सिद्ध होता है। इसके आगे हम अब आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि जो पिंड दोलन कर रहा है तो उसका दोलन काल भी होगा या जिसे हम आवर्तकाल कहते हैं। यदि पिंड का आवर्तकाल चूंकि वो दोलन कर रहा है टी हो तो, पिंड का आवर्तकाल टी हो तो टी बराबर हो जाएगा, पिछले बार हमने देखा था इसका सूत्र 2π बटे विस्थापन बटे त्वरण, ठीक है ना, विस्थापन बटे त्वरण। तो इसको हम t बराबर 2π, चूंकि यहाँ विस्थापन कितना हुआ है y हुआ है और त्वरण है अपने पास अल्फा, तो इसको मान लेते हैं पांचवा समीकरण, ठीक है। समीकरण चार से आप देख लीजिए, हम यदि ऋण चिन्ह को छोड़ दे तो थोड़ी देर के लिए माइनस चिन्ह को हम त्याग देते हैं, केवल परिमाण को लेते हैं, तो समीकरण चार से क्या हो जाएगा, समीकरण चार से यदि हम y अपन अल्फा का मान निकालें, विस्थापन बटे त्वरण का मान निकालें, तो ये हो जाएगा y अपन अल्फा बराबर हो जाएगा m अपन k, k मतलब स्प्रिंग नीतांक, y अपन अल्फा बराबर हो जाएगा m अपन k या m बटे k। इस मान को समीकरण पाँच में रख देते हैं। इस मान को समीकरण पांच में रख देते हैं। समीकरण पांच में y मान को रखने पर t बराबर 2π y अपन अल्फा का मान हो गया m अपन k, तो m अपान k हो जाएगा, तो m अपान k का वर्गमूल हो जाता है, इसको हम छठवां समीकरण कह लेते हैं। और समीकरण पहले से हम जानते हैं mg बराबर ky आया था, mg बराबर kl आया था, सॉरी समीकरण पहला से हम जानते हैं कि mg बराबर क्या आया था, kl आया था। यहाँ से k का मान निकाल लें, यहाँ से k का मान निकाल लें, तो mg अपान l हो जाएगा। k का मान क्या आ जाएगा, स्प्रिंग नीतांक का मान mg बटे l आ जाएगा। इस मान को समीकरण 6 में रख देते हैं। समीकरण 6 में k का मान रखने पर k का मान रखने पर तो t बराबर हो जाएगा 2π m अपान k, m अपान k mg बटे l हो जाएगा। t बराबर 2π m अपान k का मान है mg बटे l,
तो यहाँ से एम और एम कट जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टी बराबर 2 पाई एल ऊपर चल देगा तो एल अपान जी का वर्गमूल, इसको आप सातवां भी मान सकते हैं। और समीकरण सात की सहायता से हम पिंड के आवर्तकाल का मान निकाल सकते हैं या पिंड के आवर्तकाल का मान बता सकते हैं, और जो कि आया है 2 पाई एल बटे जी का वर्गमूल, ठीक है ना। तो ये ऊर्ध्वाधर तल में स्प्रिंग से लटके पिंड के दोलन के लिए उसका दोलन काल या आवर्तकाल का व्यंजक है। अब हम कुछ आंकिक प्रश्न देख लेते हैं। सरल आवर्त गति के अंतर्गत हम कुछ सूत्र पढ़े हैं, उनसे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न देख लेते हैं। आंकिक प्रश्न, इनको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक प्रश्न हम लेते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए एक पिंड का, सरल आवर्त गति करते हुए एक पिंड का आवर्तकाल दो सेकंड है, एक पिंड का आवर्तकाल दो सेकंड है, ठीक है ना। यह हम हमारा क्वेश्चन है, स्टार्ट है हो रहा है। सरल आवर्त गति करते हुए एक पिंड का आवर्तकाल दो सेकंड है, समय टी बराबर शून्य, समय टी बराबर शून्य मतलब प्रारंभिक समय है, से कितने समय पश्चात, से कितने समय पश्चात जो पिंड का विस्थापन होगा, विस्थापन उसके आयाम का, विस्थापन उसके आयाम का आधा होगा, आयाम का आधा होगा। ये हमारा प्रश्न है, आंकिक प्रश्न। चलिए इसको हल करके देखते हैं। आंकिक प्रश्न हल करना है तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का आवर्तकाल दो सेकंड दिया है, तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है कि पिंड का आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब कैपिटल टी होता है, वो दे दिया है दो सेकंड, ठीक है। और समय टी बराबर शून्य से मतलब प्रारंभिक समय से कितने समय के बाद विस्थापन उसके आयाम का आधा होगा, मतलब विस्थापन को हम वाय बोलते हैं, ये आयाम ए का आधा कब होगा, कब होगा मतलब जो स्मॉल टी है, छोटा टी हमको निकालना है, ठीक है ना। तो सूत्र लगा लेते हैं, क्योंकि विस्थापन का सूत्र क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, जहां पर ओमेगा होता है
जहाँ पर ओमेगा होता है 2π/T, तो उसमें रख देते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर a साइन 2π/T स्मॉल t। इनमें मानों को रख देते हैं, y का मान क्या है, a/2 है, a/2 बराबर y का मान a/2 है और ये a है आयाम साइन 2π/2, t का मान 2 है, 2 सेकेंड इंटू टी। आगे और इसको हल करें, यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा या 1/2 बराबर, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई टी, साइन पाई टी, ठीक है। या चूंकि ये इधर साइन पाई टी हो गया है तो ये 1/2 जो मान है इसी को हम साइन में देखते हैं, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 30 अंश मतलब कहेंगे π/6, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन पाई टी। यहाँ पर आप तुलना करते हैं तो तुलना करेंगे तो π/6 बराबर हो जाएगा पाई टी, या पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि टी बराबर आएगा 1/6 सेकेंड, और यही आंसर है। तो 1/6 सेकेंड के पश्चात जो विस्थापन है उसके आयाम का आधा होगा, ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल देखते हैं, जो दूसरा आंकिक प्रश्न है वो भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से सरल आवर्त गति के अंतर्गत जो दूसरा आंकिक प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, दूसरा जो आंकिक प्रश्न है, एक सरल आवर्त गति करने वाले है ना, कोई एक कण ले लेते हैं, कण का त्वरण, ठीक है। एक सरल आवर्त गति करने वाले जो कण का त्वरण है, जब वह माध्य स्थिति से, ठीक है ना, एक कण है वो सरल आवर्त गति कर रहा है, उसका त्वरण दिया है, जब वह माध्य स्थिति से कितना दूर है, 2 सेंटीमीटर दूर है, माध्य स्थिति से कितना दूर है, 2 सेंटीमीटर दूर है, तो उसका त्वरण भी दे दिया है, 2 सेंटीमीटर दूर है, उसका त्वरण दे दिया है 2 सेंटीमीटर/s² 2 सेंटीमीटर/s² है, तो माध्य स्थिति से 2 सेंटीमीटर दूर है ये दिया है, त्वरण दे दिया है 2 सेंटीमीटर/s², ठीक है ना। तो उसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको हल करते हैं,
जो दिया है उसको पहले देखेंगे। दिया है कि आपका त्वरण दे दिया है, अल्फा का मान दे दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और आपका माध्य स्थिति से 2 सेंटीमीटर दूर है बताया है, तो हम विस्थापन को भी मान सकते हैं, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हमको आवर्तकाल t का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान यांकिक प्रश्न है, आपको केवल एक सूत्र लगाना है। ये t जो आवर्तकाल होता है, इसका सूत्र अभी अभी हमने देखा था, y अपान अल्फा का वर्गमूल या विस्थापन बटे त्वरण का वर्गमूल होता है। तो ये हो जाएगा 2π, विस्थापन का मान है 2 बटे आपका त्वरण का मान है, ये भी 2 है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और उसके साथ 2π का गुणा होगा तो 2π ही आएगा। तो यहाँ पर पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान 3.14 होता है, ठीक है ना। तो अब 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 6.28 सेकेंड जो आवर्तकाल की इकाई, इस पर विशेष ध्यान देना है आपको, इकाई की तरफ, आवर्तकाल की इकाई होती है सेकेंड। तो ये आपका उत्तर है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्प्रिंग सेलेट के पिंड का दोलन का अध्ययन किया और उसके लिए ये सिद्ध किया कि उसकी जो गति है वो सरल आवर्त गति होता है और उसका जो दोलन काल का या आवर्त काल का भी सूत्र हमने निकाला। साथ ही हमने 2 आंकिक प्रश्न भी किए। कल इसके आगे हम सरल लोलक के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।